अब्दुल के पीछे पुलिस, पुलिस के पीछे अब्दुल, अब्दुल अब्दुल अब्दुल, आगे आगे अब्दुल, पीछे पीछे अब्दुल, कहाँ जा रहा है अब्दुल? अब्दुल के दो आगे अब्दुल, अब्दुल के दो पीछे अब्दुल, अक्कड़ बक्कड़ बेंगलोर बो, अब्दुल शहर को फूंक दो, सौ में लगा धागा, अब्दुल मसाल लेके भागा, मसाल में डाला तेल, अब्दुल जाएगा जेल, अटकन मटकन दही चटाकन थाने में बस आग लगा बन, अब्दुल अब्दुल अब्दुल, अब्दुल आग लगाएगा, फिर ह्यूमन चेन बनाएगा, फिर फोटो भी खिंचवाएगा, फिर अच्छा अब्दुल बन जाएगा। पर अब्दुल भाई ये तो बोलो, अपने दिल के राज तो खोलो, मंदिर को तुम बचा रहे थे, किससे जलाने वाले थे, किस मजहब के? माँ का एक कहानी, बेटा क्या समझ लिया है तूने मुझको अपनी नानी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, अब्दुल था या थी सलमा रानी, माँ कह एक कहानी, तू है हठी मानधन मेरे, सुन बेंगलोर में सांझ के बेरे, तात भ्रमण पर निकले तेरे, आई व्हाट्सएप पर वानी, आई व्हाट्सएप पर वानी, टेक्निकल हुई कहानी, व्हाट्सएप जब अब्दुल ने पाया, पढ़कर उसका मन हर्षाया, उसने तब मशाल उठाया, जमकर उसको तेल पिलाया, तेल नहीं था पानी, अब बढ़ चली कहानी, अब्दुल ने तब भीड़ जुटाई, झूठी सबको बात बताई, बोला कर लो सब तैयारी, फूंकना है सब अब की बारी, हिंसक हुई कहानी, हाँ बेटे हिंसक हुई कहानी, 1000 अब्दुल तब आए, कोई पत्थर ईंट उठाए, पेट्रोल बम भी साथ में लाए, सबने तब दंगे भड़काए, खून बहा जैसे था पानी, रक्तिम हुई कहानी, खूनी हुई कहानी, नॉट अ गुड कहानी। उठो अब्दुल अब आंखें खोलो, पेट्रोल लाई हूँ मुँह को धो लो, एसिड से तुम कर लो कुल्ला और जला दो पूरा मोहल्ला, बीती रात सलमा है आई, कैसी तूने आग लगाई, कपड़े काले हुए हैं जलकर, लिबरल चहक रहे ट्विटर पर, ह्यूमन चेन लगे अति सुंदर, बेंगलोर ने क्या जली छवि पाई, अब्दुल तूने ही आग लगाई, भोर हुई सूरज उगाया, जल में है कलुषित सी छाया, तेरे मशाल की किरणें आई, थाने जले समुदाय मुस्काई, इतना सुंदर समय मत खो अब्दुल प्यारे, अब मत सो। नमस्कार, मैं बकैत कुमार। बेंगलोर में दंगे हो गए, कांग्रेस के विधायक के भतीजे ने किसी हिंदू घृणा से रिश्ते पोस्ट के नीचे कोई दूसरा कमेंट किया और अल्पसंख्यक समुदाय को बुरा लग गया। जिस हिसाब से आजकल रेखाएं क्षीण और धुंधली होती जा रही हैं, भाजपा वालों के काम भी कांग्रेस वाले करते नजर आ रहे हैं। हालांकि हमारे चैनल और रिपोर्टरों की फौज ने उस भतीजे के बचपन के दोस्तों के फेसबुक पोस्ट निकालने शुरू कर दिए हैं कि कोई भाजपाई या बजरंग दल का निकल आए तो हम लोग आपको कह सकें कि वास्तव में भतीजा तो ठीक ठाक था, लेकिन उसी भाजपाई के संगत में आकर सांप्रदायिकता फैलाने लगा था। हम लगे हुए हैं, जैसा भी होगा कभी भी फेसबुक पर आपको सूचित कर देंगे। खैर, बुरा इसलिए उन्हें लगा क्योंकि बुरा लगने पर सिर्फ उनका ही हक है। आहत होना, संवेदनशील मैटर आदि का मसला भारतीय समाज के उन संसाधनों जैसा है जिस पर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस पर पहला हक अल्पसंख्यकों का ही है। हिंदू लोग तो कट्टर होते हैं, अब किसी ने कृष्ण को थोड़ा सा बलात्कारी कर दिया तो क्या हो गया? अनभिज्ञ होगा, पढ़ता लिखता नहीं होगा, कर दिया थोड़ा सा। अब कह ही दिया तो बात बढ़ाने क्या जरूरत थी? क्या एक अल्पसंख्यक संविधान प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता इस देश में? क्या हम इस स्थिति में आ गए? क्या वो एक पोस्ट भी नहीं कर सकता? थोड़ा सा कह दिया तो क्या हो गया? मैं भी हिंदू हूँ, दिन भर फेसबुक पर बकैती लिखता रहता हूँ, लेकिन मुझे आपने देखा कहीं लिखते हुए कि किसकी कितनी बीवियाँ थी, कौन किसकी बीवी के साथ भाग गया, कब क्या कर रहा था? नहीं लिखा, क्योंकि मैं 2014 के बाद से कटवा छिलवा के लिबरल हो गया हूँ। मैंने तय कर लिया है कि कब लिखना है, क्या लिखना है। ऐसे ही मग से ऐसे पुरस्कार थोड़े मिलता, आत्मा बेचनी पड़ती। आप ही बताइए कि अब्दुल जाएगा कहाँ? 3 तलाक छीन लिया, उसके कौमी भाइयों के नरसंहार की छूट पर पाबंदी लगा दी 370 हटाकर, राम मंदिर में ये मान लिया कोर्ट ने कि नीचे मंदिर था, फिर सीए ले आए। ये सारी बातें अब्दुल को पसंद नहीं, इसलिए अब्दुल ने भारत के बड़े शहरों को अपनी मशालों से जलाने का सोचा। आप ही बताइए कि सारे फैसले अल्पसंख्यकों के विरोध में ही जा रहे हैं तो वो करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे? क्या उनके द्वारा फैसला सड़कों पर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सड़क का टैक्स तो सब भरते हैं, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि घंटे भर में भीड़ जुटा ली गई, वाह वाह मोदी जी वाह, मतलब कोई समुदाय व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड है, व्हाट्सएप पर संगठित है, डिसिप्लिन में रहता है, एक आवाज़ लगाने पर लोगों के सुख दुख में निकल के आते हैं, सड़कों पर इंसाफ की उम्मीद करते हैं। इससे भी दिक्कत है लोगों, ये फांसीवाद नहीं तो और क्या है, ये आपातकाल नहीं तो और क्या है, ये अत्याचार हो रहा है, बचाओ बचाओ, विनोद 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 को बचाओ, नहीं नहीं अब्दुल को बचाओ। सताया हुआ अब्दुल, डरा हुआ अब्दुल, खौफ ज़दा अब्दुल, सलमा का आशिक अब्दुल, अहमद का जानू अब्दुल, अब्दुल ही अब्दुल, तकिए ही तकिए, अलतकिया ही अलतकिया, फ्लोर ही फ्लोर, तौलिए तौलिए, आखिर अब्दुल के सामने विकल्प क्या थे इस फांसीवादी समाज में?
जब सारे तंत्र आपके विचारों के विपरीत हो जाए तो मन के विकार बाहर आएंगे ही। अब्दुल ने आत्मनिर्भर भारत के नारे को शब्दशः लिया और घर में ही बम बनाया। तौलिए को तेल से भिंगाकर मशाल बना ली, वाइपर के डंडे पर तौलिए को लपेट दिया और बताया कि शांति प्रिय मजहब के खिलाफ कोई भी पोस्ट कमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भले ही वो हिंदुओं के खिलाफ लिखे पोस्ट के जवाब में हो। अब्दुल की सोच तो यह है कि हिंदुओं के भगवान को अब्दुल के भाई या सलमा के जाने जिगर जाने मन सलीम ने बलात्कारी कह दिया तो उस पर प्रतिक्रिया देना हिंदुओं का काम है, अब्दुल को इससे क्या। अब्दुल को बस इससे मतलब है कि उसके मजहब के किसी बात को लेकर तो किसी ने कुछ नहीं लिखा ना। हिंदू आग नहीं लगाते, बम नहीं बना सकते, इनकी समस्या है वो, टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास। अब्दुल तो मुद्रा लोन लेकर कुटीर उद्योग लगाकर मिनटों में मशाल और बम बना लेता है। किसी किताब में पढ़ा था कि अगर आप कोई काम 10,000 घंटे करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। हिंदुओं ने यह पूछने में परफेक्शन पाई है, आज लिबरल चुप क्यों है, जबकि अहमद गुल के डिब्बे में बारूद रखकर सुतली बांधकर धीरे से रैक पर रख देता है, कहीं फट भी सकता है ना जोर से रखेगा तो। अब्दुल के घर में भले ही अंधेरा रहे लेकिन वो कनस्तर का तेल मशाल पर डालकर मजहब की रक्षा के लिए बाहर निकल जाएगा। हिंदुओं का अटैक अब्दुल कह लेगा भाई। और हाँ, ये बेंगलोर है कहाँ, है भी कि नहीं, क्या आप गए हैं देखने कि भारत में ऐसी जगह है या फिर बस एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाने के लिए ऐसी जगह गढ़ दी गई, कुछ तस्वीरें दिखा दी गई और आप एक समुदाय पर सांप्रदायिक टिप्पणियां करने लगे। जैसा कि सोशल मीडिया यूजर डीके उर्फ धरिकांत ने लिखा है कि जब तक ऑल्ट न्यूज का फैक्ट चेक इस पर नहीं आता मैं बंगलोर के दंगे क्या बेंगलोर इस देश में है भी कि नहीं ये भी नहीं मानूंगा। बात करते हैं अंत में ऐसे साहित्यिक ह्यूमन चैन के मौके पर दो गजलें सुनाना चाहूंगा जो आहत इंदौरी कह के गए हैं और ये मैं करके दिखाऊंगा, तरन्नुम में गाऊंगा। मेरे एक एक शेर करोड़ों रुपये के हैं इसलिए किसी दो कौड़ी के दंगाई समुदाय का नाम लेकर जीभ गंदा नहीं करूंगा। अर्ज किया है और मेरा जहर आप तक पहुंचे विश्वास भाई तो हिंदू होने के बाद भी दाद जरूर दीजिएगा। मशाल लाए हो, मशाल लाए हो, मशाल लाए हो इधर रख दो, मशाल लाए हो इधर रख दो, देख रहे हो थाना, देख रहे हो थाना, मशाल लाए हो इधर रख दो, देख रहे हो थाना, खाक कर दो, खाक कर दो। बात है, क्या बात, सरपंच जी माल्यार्पण करेंगे, क्या बात। बहुत 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 आभार आपका। अगला शेर देखें कि मसाल लाए हो इधर रख दो, देख रहे हो थाना, खाक कर दो, 10 मंदिर जलाने के बाद ह्यूमन चेन दिखाकर सब साफ कर दो। बेंगलोर हो कि दिल्ली हो कि बंबई, बेंगलोर हो कि दिल्ली हो कि बंबई, बेंगलोर हो कि दिल्ली हो कि बंबई, मजहब के नाम पर सब पाक कर दो, मसाला हो इधर रख दो, थाना देखो खाक कर दो। अरे बुजदिलों की काम हो क्या, राह में जो भी आए हलाक कर दो, मसाल लाए हो इधर रख दो, थाना देखते हो खाक कर दो। गजल का अंतिम शेर देखें कि हमारे बाप का भी है हिंदुस्तान, हमारे बाप का भी है हिंदुस्तान, मशाल लाए हो इधर रख दो, देख रहे हो थाना, खाक कर दो, कि हमारे बाप का भी है हिंदुस्तान, जब जी चाहे जलाकर राख कर दो। अब इसके बाद एक और शेर जो है, शेर नहीं पूरा का पूरा गजल ही है वो, जो मैं उसी अंदाज में, जो मरहूम आहत साहब हो गए हैं उसी के अंदाज में सुनाने जा रहा हूँ कि सलमा बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या बात है, क्या बात है, सलमा बुलाती है मगर जाने का नहीं। हम लोग नहीं को नए बोलते हैं, ठीक है ना, नए बोलते हैं। सलमा बुलाती है मगर जाने का नहीं, सलमा बुलाती है मगर जाने का नहीं, शहर फूंक देने का पर उससे पहले इश्क लड़ाने का नहीं। इरशाद, इरशाद, प्यार इक्स प्रेम मोहब्बत सेस्क, प्यार इक्स प्रेम मोहब्बत सेस्क तो होतो रहोगो ससुर, प्यार इश्क प्रेम मोहब्बत सेस्क तो होतो रहेगो ससुर, चुपके से मंदिर जलाने का
पर कैमरे के सामने दिखाने का नहीं। सलमा बुलाती है मगर जाने का नहीं, सर फूंक देने का पर उससे पहले इश्क लड़ाने का नहीं। वामपंथी तो अपनी मुट्ठी में है, वामपंथी तो अपनी मुट्ठी में है, वामपंथी तो अपनी मुट्ठी में है। लिब्रांडो की मर गई है मैया, वामपंथी अपनी मुट्ठी में है, लिब्रांडो की मर गई है मैया। तुमको बस आग लगाने का, मीडिया से खौफ खाने का नहीं। तुमको बस आग लगाने का, मीडिया से खौफ खाने का नहीं, ह्यूमन चेन बनाते रहने का, फोटो खिंचवाते रहने का, ह्यूमन चेन बनाते रहने का, फोटो खिंचवाते रहने का। वायर स्क्रॉल एनडीटीवी खुद करेगा अपना काम, गिर गिराने का नहीं। विक्टिम कार्ड निकाल के, विक्टिम कार्ड निकाल के तलवार मशाल लेके उतर जा। विक्टिम कार्ड निकाल के, जिसका सीवीवी एक खास नंबर है, विक्टिम कार्ड निकाल के तलवार मशाल लेके उतर जा। विक्टिम कार्ड निकाल के तलवार मशाल लेके उतर जा। कोई पुलिस आए, सरकार आए, इन सब से डर जाने का नहीं, डर जाने का नहीं। और यहाँ एक जहरीला शेर देखें के, और यहाँ ये इसमें काफी जहर है, मतलब बिच्छू घास टाइप का जहर है इसमें, कि ये जहरीला शेर देखिए और पहुंचे तो दाद दीजिएगा कि हाथ जल जाए अपना तो जल जाने दे, हाथ जल जाए अपना। मसाल से आग लगाते हैं तो अपना भी जलता है ना, कहावत भी और शब्दशा भी कई बार हो। सीलमपुर में पेट्रोल पंप फेंक रहा था, हाथे में फट गया बेचारे के। अब होता है ये सब, तो शेर मैंने उसी से एक प्रेरणा लेते हुए बनाई है कि हाथ जल जाए तो जल जाने दे, हाथ जल जाए तो जल जाने दे, लेकिन उनके घरों को राख किए बिना अपने घर वापस जाने का नहीं, अपने घर वापस जाने का नहीं। और अम्मी कर रही होगी घर पर इंतजार, और अम्मी कर रही होगी घर पर इंतजार, हलाल गोश्त खाने का शर्माने का नहीं, शर्माने का नहीं। सलमा बुलाती है मगर जाने का नहीं, शर फूंक देने का पर उससे पहले इश्क लड़ाने का नहीं। आदाब अर्ज है। Oh, my God.